तो इसमें हर्ज क्या है गंगोपा का? और मल्हार सरकार ठीक ही तो कह रहे हैं, और मैं तो कहता हूं कि इस सती प्रथा को आज खत्म कर देना चाहिए। ये प्रथा नहीं है गंगोपा का, कुप्रथा है। एक पुरुष के जाने के बाद एक स्त्री की ऐसी दर्दनाक मौत, यह सही है? अपने पीछे न जाने कितनों को वो बिलकता हुआ छोड़ जाती है। ये जीवन ईश्वर की देन है, तो उसे छीनने का हक भी केवल ईश्वर को ही है। आप सही कह रहे हैं तुको जी, किसी मजबूर स्त्री को मौत के मुंह में झोंकने का हमें कोई अधिकार नहीं। मानवता की दृष्टि से आप बिल्कुल सही हैं, पर फिर परंपरागत जो होता आ रहा है उसका क्या? तुको जी, खंडेराव के साथ इस युद्ध में और भी कई योद्धा शहीद हुए, उनकी पत्नियां तो सती हो गई, क्योंकि ये धर्म था, शास्त्र अनुसार था, शास्त्रोक्त था, तब तो किसी ने नहीं रोका। जब बात राजघराने की आई तो सती प्रथा खराब है, उसे बदलना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? क्या ये सही है? आप सही कह रहे हो गंगोपा काका, लेकिन अहिल्या रानी है। बाबा साहेब तो कहते हैं कि वो प्रजा की आई है। ठीक कह रहे हैं तुको जी आप, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अहिल्या को सती नहीं होना चाहिए। पार्वती, उसका क्या? वो भी खंडेराव की पत्नी है, कल वो भी मालवा की छोटी रानी कहलाएगी। फिर एक बात का उत्तर दीजिए गंगोपा काका, मैंने सुना है कि जिस स्त्री के बाल बच्चे होते हैं उसे सती जाना बंधनकारी नहीं होता है। महाभारत में महाराजा पांडु के साथ माद्री देवी सती गई थी, लेकिन माता कुंती नहीं, क्योंकि बच्चों के पालन पोषण से अधिक एक माता की और कोई जिम्मेदारी नहीं हो सकती। नहीं सासु भाई, बाबा साहब, मैं नहीं रुक सकती। मैं छोटे सुबह दार जी के साथ सती होकर रहूंगी। पार्वती, ये तुम क्या कह रही हो? देखो, बात को समझो, हमारा खंडेराव जा चुका है। तुम अहिल्या की तरह ऐसे जिद करके, अगर छोटी रानी ने आपकी बात मान ली है तो मैं उनके फैसले की इज्जत करती हूँ, लेकिन मुझसे मेरा हक कोई नहीं छीन सकता। छोटे सुबेदार जी के साथ ही आखिरी यात्रा मुझे तय करनी होगी। आपको पता है सासू भाई, मुझे छोटी रानी से हमेशा से थोड़ी सी जलन होती थी। उन्होंने छोटे सुबेदार जी के हर यात्रा में, हर खुशी में, हर गम में उनका साथ दिया, चाहे परिवार हो, राजनीति हो या युद्ध भूमि। छोटे सुबेदार जी के जीवन में, उनके मन में छोटी रानी का हमेशा से ही योगदान रहा है, और इस बीच हमेशा ही अकेली पड़ जाती थी। पार्वती, छोटी रानी नहीं चाहती थी कि मैं अकेली पड़ जाऊं, लेकिन मैं अकेली पड़ ही जाती थी। हमेशा सोचती थी कोई तो ऐसा सफर हो जिसमें मैं छोटे सुबेदार जी का साथ दे सकूं। जिंदगी ने तो ये मौका कभी नहीं दिया, पर देखिए आज मौत ने मुझे ये मौका दिया। पार्वती, मैं ये मौका खोना नहीं चाहती, इसीलिए मैं सती होऊंगी। आप सबसे एक विनती है कि मुझे कोई ना रोके।
ऐसे बाबा साहब बाड़े में रहना पसंद ही नहीं करते, और ऐसे आपकी वजह से हमें हमारे बाबा साहब नहीं मिल रहे। हम जहां भी होंगे ना तुम्हारे साथ होंगे। छोटे से पिताजी मेरे सब कुछ थे, अगर वो ही चले गए हैं तो मैं किसके लिए जीऊं बाबा साहेब। अंगूठी हमें बाजीराव पेशवा सरकार ने दी थी, ये मराठा साम्राज्य की रक्षा का दायित्व है जो उन्होंने कुछ गिने चुने सरदारों सूबेदारों को सौंपा था, उनमें से एक भाग्यशाली हम थे। तो फिर बाबा साहेब ये आप हमें क्यों दे रहे हैं? इसीलिए क्योंकि हम ये दायित्व अब तुम्हें सौंपना चाहते हैं। सरकार, अस्थि विसर्जन का समय हो गया है, चलिए। नहीं गंगोबा, हमने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक हम अपने परिवार के दुखों का हिसाब नहीं ले लेते, हमारी बेटी की जिंदगी से जो रंग धुल गए हैं, उन धुले हुए रंगों की कीमत नहीं वसूल लेते। अपने बेटे की मौत की जिंदगी, अपने बेटे की मौत का बदला, उन आंसुओं, उन आक्रोशों, उन चित्कारों का बदला नहीं लेते। हम खंडेराव की अस्थियों को विसर्जित नहीं करेंगे। क्या मल्ला राव जी संदेश के बारे में जानते हैं? नहीं,
ये संदेश हमारे नाम से आया था, हमें ही जाकर मल्हारराव जी को ये संदेश देना होगा। परंतु हमें नहीं लगता कि वो मानेंगे। हम भी जानते हैं कि वो नहीं मानेंगे, परंतु जो अधिनियम लिखे गए हैं उसे हम पूरी तरह से अनदेखा भी नहीं कर सकते। जहां तक मल्हारराव जी का सवाल है, वो छोटे बच्चे नहीं है, मालवा के सूबेदार हैं वो। उम्मीद करता हूं कि वो हमारी बात को समझेंगे। मल्हार सरकार ने भी कैसी भीष्म प्रतिज्ञा ले रखी है कि खंडेराव की अस्थियां तब तक विसर्जित नहीं करेंगे जब तक कि अहिल्या, हम सब जानते हैं कि ये दुख तुम्हारे सीने पे हिमालय की तरह है। तुम्हारे दुख की तुलना हम में से किसी के दुख के साथ नहीं हो सकती। लेकिन अहिल्या, ये बात भी तो सच है ना कि खंडेराव के जाने से हम सभी की जिंदगी में एक तरह की कमी सी आ गई है। हम सब उसी की तकलीफ से जूझ रहे हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।